डॉक्टर अनुपमा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक रिट्रीट अपार्टमेंट चटपड़गंज, आईपी एक्सटेंशन। दिल्ली में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया गया है कि पब्लिक को फ्री में यहाँ पे सर्विस दी जाएगी, तो ये मोहल्ला क्लिनिक का एक अनोखा पहलू यहाँ लागू करा गया है। तो कब एक मोहल्ला क्लिनिक चालू किया गया और अभी तक दिल्ली में ऐसे कितने मोहल्ला क्लिनिक चालू? ये कॉन्सेप्ट 2016 से स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, और अभी मेरे ख्याल से मोर देन 500 क्लिनिक्स रनिंग। यहाँ पे किस किस बीमारी वाले मरीज आते हैं, लोग आते हैं, आप यहाँ कौन सी बीमारियों का हल और इलाज करते हैं? यहाँ पे नॉर्मल कॉमन कोल्ड, फीवर, कफ, डायरिया, लूज मोशंस वगैरह के पेशेंट्स आते हैं, और हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, ये सब के भी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं। अगर कोई मेजर बीमारी इधर डिटेक्ट हुई तो यहाँ से रिफर कैसे कर सकते और किस तरह से वहाँ का काम? यहाँ से जैसे कोई भी बीमारी हमारे यहाँ डिटेक्ट हुई कि उसको हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन बन करके हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल बगल में है तो उसके लिए रेफ़र कर देते हैं, पेपर पे बना करके उसकी सारी फाइंडिंग्स वगैरह लिख करके बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें रेफर करते हैं। इधर जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का हायरमेंट होता है, इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक पे भी हो रहा होगा, तो एक मोहल्ला क्लिनिक पे कितने डॉक्टर से हमारे का जो टीम होता है दवाई देने का, कितने लोगों का इधर टीम है? यहाँ पे टोटल 4 लोगों की टीम है, एक डॉक्टर है, एक मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट है जो वो बैठी है, एक फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन बांटता है, और एक MTW है जो हमारी आज दवाइयाँ लाने के लिए गया हुआ है, तो 4 स्टाफ होते हैं टोटल। इधर अंदाजे से 7-8 साल से हो रहा है, तो ईयरली इधर पूरा स्टेटिकल डेटा एक बनता होगा, तो कितने मरीज इधर के इलाज हर साल लेते हैं? पूरे ईयरली तो मैं कुछ नहीं बता सकती, अपने क्लिनिक का पर डे का रफ एंड राउंड बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ एनीवेयर बिटवीन 80-150 के बीच में, 80-150 के बीच में डिपेंड करता है, मंडे रहता है तो ज़्यादा रहते हैं, वीकडेज रहता है तो थोड़ा कम रहता है। तो पब्लिक का रिव्यू रहता होगा कि इस बीमारी का इतना OPD चार्ज दूसरी जगह होता है और इधर तो बिल्कुल मुफ्त में होता है, तो इसमें प्राइवेट डॉक्टर भी कई सारे होंगे जिससे जिनको ऐसा लगता होगा कि मोहल्ला क्लिनिक तो क्लिनिक ने हमारा करियर बर्बाद किया होगा, ऐसा आप भी एक डॉक्टर आप समझ रही है। तो इधर दूसरे प्राइवेट डॉक्टर है वो गवर्नमेंट में से जो सेवाएं देते हैं उनके साथ उनका एक वार्तालाप कभी होता होगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा है एक काम में? नहीं, उनको पता है अच्छे से कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली अब तो ये होने लगा है कि वो लोग को अगर लगता है कि कोई पेशेंट है ज़्यादा सीरियस है या उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम उसके लेवल पे नहीं हो सकती ट्रीट, बिकॉज उसके सपोज अगर उसको जॉन्डिस है तो उसको बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं, वो पेशेंट है पुअर, तो वो खुद ही कहते हैं जाइए मोहल्ला क्लिनिक में दिखा लीजिएगा, मैडम आपका ट्रीटमेंट कर देगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, दवाइयों के साथ साथ पूरा टेस्ट वगैरह हो जाता है पेशेंट का, 2-3 हज़ार का, जो कि बिल्कुल फ्री, और हम ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे देते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं प्राइवेट के डॉक्टर। इधर कई सारे जो ऐसे पेशेंट आते होंगे जिसका अलग अलग रिपोर्ट करवाना होता है, तो ये रिपोर्ट का कॉस्ट कौन अफोर्ड करता है? नहीं, गवर्नमेंट करती है, हमें कुछ नहीं, हम सैंपल लेते हैं पेशेंट का, मेरी जो MC है वो सैंपल लेके और भेज देती है, एक प्राइवेट लैब से अटैचमेंट है गवर्नमेंट का, नेक्स्ट डे हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, पेशेंट को रिपोर्ट हैंड ओवर किया जाता है, पेशेंट को कुछ नहीं पे करना।